पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, विश्व भारती के वाइस चांसलर प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण और मेरे ऊर्जावान युवा साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अद्भुत धरोहर मां भारती को सौंपी है उसका हिस्सा बनना, आप सभी साथियों से जुड़ना मेरे लिए प्रेरक भी है, आनंददायक भी है और एक नई ऊर्जा भरने वाला है। अच्छा होता मैं इस पवित्र मिट्टी पर खुद आकर के आपके बीच शरीक होता, लेकिन जिस प्रकार के नए नियमों में जीना पड़ रहा है और इसलिए मैं आज रूबरू न आते हुए दूर से ही सही आप सबको प्रणाम करता हूं, इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम करता हूं। इस बार तो कुछ समय के अंतराल पर मुझे दूसरी बार ये मौका मिला है। आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी युवा साथियों को, माता पिता को, गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब्देर, कौन दूर शताब्देर, कौन एक अख्यात दिवसे नाही जानी आजी, नाही जानी आजी, मराठार कौन शोयले एरंडेर अंधकारे बसे। हे राजा शिवाजी, तब भाल उद्यासियाए भावना तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी, एक धर्म राज्य पासे, एक धर्म राज्य पासे खंड छिन्न विक्षिप्त भारत बंधे दिबामी। यानी एक शताब्दी से भी पहले किसी एक अनाम दिन, मैं उस दिन को आज नहीं जानता, किसी पर्वत की ऊंची चोटी से, किसी घने वन में, ओ राजा शिवाजी, क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोशनी की तरह आया था? क्या ये विचार आया था कि छिन्न भिन्न इस देश की धरती को एक सूत्र में पिरोना है? क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित करना है? इन पंक्तियों में छत्रपति वीर शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए भारत की एकता, भारत को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान था। देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है।